चलिए सर, हम पार्ट थर्ड का या दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट थर्ड में सर, हम लोगों ने पहला पार्ट क्या पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जितने भी लॉ थे सारे कवर कर लिए। अब हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं बात करूं एटम की, देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, फिर हम लोग सीधे एटम पे आ जाएंगे। तो अगर मैं बात बोलूंगी सर, एटम वर्ड का सबसे पहला उपयोग कहां किया गया, जरा ध्यान से सुनना। पहले क्या होते थे कि पहले साइंटिस्ट नहीं होते थे, पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड। क्या नाम था सर? महर्षि कन्नड। ये एक ऋषि मुनि थे जिनसे पूछा गया कि बताओ दुनिया किससे मिलकर बनी है। तो इन्होंने बोला था कि दुनिया एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसका नाम है परमाणु। इन्होंने बोला कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं एक बहुत ही छोटे से कण से मिलकर बनी है जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, परमाणु। बस इन्होंने बोल दिया, काफी था, फिर कुछ नहीं बोले। उसके बाद कई सालों कई शताब्दियों बीत जाने के बाद एक साइंटिस्ट आए, या फिलोसफर थे वो, क्या थे फिलोसफर, जिनका नाम था डेमोक्रेटस। क्या नाम था? डेमोक्रेटस। इन्होंने भी एक अपनी फिलोसफी दे दी, क्या, कि दुनिया की सारी चीजें बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसका नाम एटम है। इन्होंने परमाणु बोल दिया, इन्होंने एटम बोला। अच्छा एटम क्यों बोला? क्योंकि एटम का जो ग्रीक वर्ड है मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जिसको हम डिवाइड ना कर सके। क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल था तो उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया, एटम। क्या नाम दे दिया? एटम। और महर्षि कन्नड ने क्या दिया, परमाणु। आज के समय में हम सभी जानते हैं हिंदी मीडियम की बुकों में एटम को हम लोग परमाणु बोलते हैं और इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि एटम वर्ड का सबसे पहला उपयोग किसने किया था, डेमोक्रेटस, पर रियल बात तो यही है कि महर्षि कन्नड ने पहले बताया था, उसके बाद डेमोक्रेटस आए। पर इन दोनों ने गलती पता किया कि इन्होंने बता दिया कि दुनिया की सारी चीजें सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसका नाम एटम है, और बहुत छोटा पार्टिकल है वो। पर इसके बारे में कोई मतलब एक थ्योरी कोई नहीं दी। तो इसी थ्योरी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था डॉल्टन। क्या नाम था सर? डॉल्टन। अच्छा डॉल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में अच्छी खासी चीजें बता दी। ये लोग तो आके सब आके बता के चले गए, पर डॉल्टन ने एटम के बारे में कई सारी बात बता दी, और उसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डॉल्टन एटमिक थ्योरी। तो कुल मिला के अगर हम बोले कि एटम के बारे में अच्छा खासा जिसने एक्सप्लेन किया वो डॉल्टन ही थे। पहले कौन से थे? जॉन डॉल्टन। सर क्या बातें बोली। अब देखो हम जो बातें बोलने जा रहे वो हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? डॉल्टन बोलेगा। सर क्या बोली डॉल्टन ने बातें? पहली बार कि दुनिया की सारी चीजें बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसे हम लोग एटम बोलते हैं, मतलब एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल। किससे? बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसे इन्होंने क्या बोला, जिसे इन्होंने बोला कॉल्ड एन एटम। आ गया समझ में? बताइए क्या इन्होंने कहा कि दुनिया की सारी चीजें बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जैसे हम लोग एटम बोलते हैं। दूसरी बात, एटम्स आर इंडिविजिबल मतलब इसका मतलब कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। अच्छा तोड़ क्यों नहीं सकते सर? क्योंकि एटम ये मानते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। इनका मानना था कि एटम से कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं है, मतलब हम उसको तोड़ नहीं सकते। आगे सन में तो दो बातें इन्होंने बोल चुके। तीसरी की बात क्या बोली थी? तीसरी बात बोली एटम कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉय। ये बात भी बहुत अच्छी खासी बोल दी। क्या बोल दी? कि एटम को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब एटम को हम ना ही बना सकते ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे लोग पहले आत्माओं के बारे में बोल सकते हैं, ये अजर अमर है, ना इसे बना सकते हैं ना इसे सख्त काट सकते, ऐसी एटम के बारे में उन्होंने बोल दिया, ना इसे बना सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब अमर एक तरीके से, ऐसा कह दिया इन्होंने। अगली बात इन्होंने बोला, अच्छी बात बताओ एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं? सर एटम से। इन्होंने बोला कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, मतलब ऑल एटम आर आइडेंटिकल, ऑल एटम आर आइडेंटिकल इन ए
पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट के सारे एटम कैसे होंगे एक जैसे। सर सारे मतलब एक जैसे, मतलब साइज में, शेप में, मास में, हर तरीके से एक जैसे, मतलब सब जुड़वा है एक एलिमेंट के अंदर, जितने भी एटम है सब एक जैसे दिखने वाले हैं, ऐसा डॉल्टन कहेगा। एक बात उन्होंने और बोली थी, द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेट पार्टिसिपेट, किसमें सर, डेट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, आ गया समझ, बताइए क्या। इन्होंने बोला कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही है। तो बताओ इन्होंने कितने पॉइंट बोल दिए, 1 2 3 4 5, क्या सर पांच ही पॉइंट थे, और भी थे पर ये मेजर पॉइंट है जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बताइए पहला कि डॉल्टन बाबा कह रहे थे कि मतलब दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है, एटम से छोटा पार्टिकल दुनिया में बना नहीं है, इसका मतलब उसे तोड़ नहीं सकते। तीसरा, एटम को, एटम अमर है, मतलब ये लिखना देना, एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगला, एक ही एलिमेंट के सारे एटम क्या हो जाते हैं, सेम, एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं, क्लियर है। चलिए, और किसी रिएक्शन में जो सबसे छोटी यूनिट पार्टिसिपेट करती है या सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही है। अच्छा, हमने ये क्यों बोला सर कि ये हम नहीं बोल रहे, क्योंकि इनकी कुछ बातें गलत हो जाएंगी आगे जाके, और आगे जाके मान लो गलत हो गई, फिर कह रहे सर आपने बताया था कि आप ही तो कह रहे थे कि एटम इंडिविजिबल है, तो ये बातें सर किसने बोली, डॉल्टन ने। अब डॉल्टन आगे जाके गलत भी हो जाए तो हमारा कोई दोष नहीं, हमने आप तक डॉल्टन की बातें पहुंचा दी, आपने सुन ली। अब इनके आगे की थ्योरी तो हम नहीं पढ़ेंगे, अब बाकी हम पढ़ेंगे किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एटम के बारे में। पर अब हमें सिर्फ एटम के बारे में, मान लो हमें सब कुछ जानकारी है, क्या है जानकारी, तो एक नाइन्थ में आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, बिल्कुल पढ़ी, तो अब हम उन्हीं चीजों को लेके बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है सर एटम क्या होता है, हम आपसे पूछें एटम क्या होता है तो दो तरीके की डेफिनेशन आती है, एक जो नाइन्थ में पढ़ी और एक रियल में होती क्या है। मैं आपको बताऊं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आजाद घूम भी सकता है और नहीं भी, ये रियल डेफिनेशन है। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो आजाद घूम भी सकता है और नहीं भी। आजाद का मतलब कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, क्या कभी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ओके फॉर्म में घूमती, नहीं सर, किसके फॉर्म में, O2, तो ये तो मॉलिक्यूल हो गया, वो तो एटम के फॉर्म में घूमती है, नहीं, तो एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। पर कौन से एटम है सर जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैस वाले एटम है जो आजाद घूमते, बाकी कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो आजाद घूमता हो। आ गया समझ में, क्लियर है। ये तो होगी फर्जी डेफिनेशन, मतलब वाली डेफिनेशन जो नाइन्थ क्लास में पढ़ी। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि अब हम जानते हैं कि एटम किससे मिलकर बना होता है। सर एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कितने से, तीन, तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एटम तीन पार्टिकल से मिलकर, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल, क्या, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। एटम तीन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पे E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब प्रोटॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसे हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल। दूसरी बात, अब ये सर पार्टिकल रहते कहां है, तो जरा ध्यान से देखो, आप सभी को पता है एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पार्टिकल रहते हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, मतलब न्यूक्लियस कहां रहता है, एटम के सेंटर पे, और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सर ये इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अलग अलग सेल्स में घूमता रहता है, अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो आगे समझे, बताइए क्या सर, एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर है।
एक बात और, सर न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कौन सा होता है? पॉजिटिव। किसकी वजह से आता है? न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। क्लियर है आप सर? दूसरी बात, अब अगर हम लोग बात करें, सर ये बताइए कि कोई ऐसा न्यूक्लियस है क्या, किसी भी एटम का ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? बिल्कुल। हाइड्रोजन का एटम जो होता है ना, अगर हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाए तो उसमें से प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन, बस ये होता है। ये किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम एक लौता ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ऐसा कौन सा एटम है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता, बताओ कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। क्लियर है? आगे समझ में? कोई डाउट सर? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए। तो हाइड्रोजन का एक होता है, हम बताएंगे प्रोटियम, वो अकेला ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, सॉरी, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। सर ये बातें समझ में आ गई। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन ये पता है सर आपको, प्रोटॉन पता है, और किसके बारे में पता है? न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर सिंबल पता है इनके? सर आप बता दो, पता कर लेंगे। चार्ज पता है? सर आप बता दो, हम पता कर लेंगे। मास पता है? आप बता दो, हम पता कर लेंगे। तो देख लो जरा, यही चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। बताओ इलेक्ट्रॉन को किससे डोनोट करते हैं? सर इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डोनोट करते हैं, और ऐसे भी डोनोट करते हैं, माइनस का वन ई जीरो, माइनस का वन ई जीरो। कोई डाउट है? बिल्कुल सर। प्रोटॉन को कैसे डोनोट करते हैं? प्रोटॉन को पी से भी डोनोट करते हैं, प्रोटॉन को एच प्लस से भी डोनोट करते हैं, या फिर ये लिखा वन सॉरी एच प्लस सॉरी 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 वन एच वन, इनमें से कोई लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन। पी लिखा हो, एच प्लस लिखा हो, या वन एच वन लिखा हो तो उसका मतलब भी क्या होता है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। आगे समझ में? कोई डाउट? न्यूट्रॉन सर एन लिखा हो तो उसका मतलब भी न्यूट्रॉन होता है, और अगर जीरो एन वन ऐसे लिखा हो तो न्यूट्रॉन। सर चार्ज कितना होता है? इस पे चार्ज माइनस ई, इस पे प्लस ई, और ये जीरो। सर ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। याद रखना, अगर माइनस ई है तो माइनस लगा दो, प्लस ई तो प्लस लगा दो। ठीक है, मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ केजी। क्लियर है? सर प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन की मास की अगर हम लोग बात करें, 1.6726 × 10⁻²⁷ केजी। ठीक है सर। और सर न्यूट्रॉन का? 1.6749 × 10⁻²⁷ केजी। आ गया समझ में? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। क्या समझ में आया सर? इसका मतलब है कि ये इनके सिंबल है, ये चार्ज है, ये मास है। तो आ गया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। सर इनका यूज कहां था? इनका यूज भी हम आपको बता दे रहे हैं, यूज कहां है। चलिए देखिए, आप सर अगर हम लोग बात करें, इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, सर बताइए क्या, कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास देखिए सर बहुत अलग है, -31 − 27। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बहुत ही बहुत, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने बहुत छोटा है। पर यहां देखिए इन दोनों को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, सर इन दोनों का मास तो लगभग बराबर है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, नोट सर, नोट करके अगर हम लिखे तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। बिल्कुल है सर, मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। पर एक चीज देखो कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। तो एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर देते हैं। जब भी प्रोटॉन और ये दोनों देखें तो इसका मास क्या कर देना? निगलेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। आगे समझ में? कोई डाउट? बताओ एटम कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन से पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस के चारों ओर। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए सर, अब हमें कुछ ऐसे टर्म सीखने हैं जो इस चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाले हैं। सर बताइए क्या, अब हम कुछ ऐसे टर्म के बारे में सुनेंगे जो इस चैप्टर में कई बार यूज होने वाले हैं। तो सर पहला टर्म, पहला है एएमयू। क्या है सर? एएमयू। पहला है एएमयू, या इसी को हम लोग यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू।
ये क्या है सर? ये सबसे छोटी यूनिट है एटम के मास को मेजर करने के लिए। अच्छा सर एक बात बताओ, हमें तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे कि सर मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम और ग्राम होते हैं, ये कौन सी यूनिट अब नहीं लेता है? तो आप एक बात बताओ, किलोग्राम ग्राम तब यूज करते हैं, ये बड़ी यूनिट है, जब कोई चीज बड़ी हो तब उसके लिए हम किलोग्राम ग्राम यूज करते हैं, पर एटम तो इतना छोटा होता है कि हमें दिख ही नहीं सकता, बहुत ही मतलब हमारी आंखों उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उसका वेट तो सर बहुत कम होगा, तो उसके वेट के लिए एक नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम था क्या है, ALU। क्या है? इट इज द यूनिट विच इज यूज, किसके लिए यूज की जाती है? टू डिटरमाइन क्या बेटा? मास ऑफ एटम। ये वो यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट कह दो मास की, जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? एटम के मास को मेजर करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? AMU। अच्छा सर AMU क्या होता है? नाम ही क्लियर है, एटमिक मास यूनिट। अब हम AMU की जगह हम लोग यू लिखने लगे, क्या लिखने लगे? यू। यू का मतलब यूनिफाइड मास, क्या? यूनिफाइड मास। देखो नाम में ही क्लियर है, एटमिक मास यूनिट, एटम के मास को नापने के लिए बनाई गई यूनिट, कौन सी? AMU। इसी को बाद में चेंज करके अब क्या लिखने लगे हम लोग? यू, यूनिफाइड मास। कोई डाउट है? अब सर एक बात बताओ, जैसे कि हमें मान लो हमें एटम का मास ग्राम में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो सर कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो कोई ना कोई कन्वर्जन तो होगा, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 AMU में कितने किलोग्राम और ग्राम होते हैं? तो ये सर हम बता दे रहे हैं आपको, 1 AMU में 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम आ गया। मतलब आप एटम का मास AMU में नापो, पर आपको अगर कभी किलोग्राम में चाहिए तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देना, किलोग्राम में आ जाएगा। ग्राम में चाहिए तो किलोग्राम में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में आ जाएगा। कोई डाउट है? इसका मतलब एटम का मास हम नापेंगे तो AMU में, मतलब कैलकुलेशन में यूज करेंगे AMU। पर अगर तुम्हारी दिली इच्छा है, नहीं सर हमें किलोग्राम में ही निकालना, हमें देखना है कि कितना होता, तो इतने का मल्टीप्लाई कर देना, किलोग्राम में भी आ जाएगा, और 1000 का कर देना तो ग्राम में भी आ जाएगा। अब दूसरी बात कि सर ये वैल्यू आई कहां से, फ्रॉम वेयर AMU कम्स, ये वाली वैल्यू जो AMU की है वो कहां से आई, कहां से आई? बहुत आसान है, देखो यहां पे उन्होंने ये वैल्यू कहा है कि 1 AMU बराबर, लगभग अगर आपको पता हो, देखो जरा इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखो, और इसको लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है, पावर देखो सेम है ही, -27, 1.66 लगभग, हम इक्वल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं लगभग बराबर है, तो हम सर ऐसे कह सकते हैं 1 AMU बराबर मास ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल कह सकते हो सर, या फिर इसको हम इसके बराबर भी कह सकते हैं 1/Avogadro नंबर। Avogadro नंबर जानते हो आप? Na बराबर होता है 6.022 × 10⁻²। आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दोगे तो 1 AMU की वैल्यू निकल आएगी, कितनी होती है सर इसकी? 1.66 × 10⁻²⁷ kg। तो आ गया समझ में, 1 AMU कहां से आया? बिल्कुल सर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, वहीं से वो AMU को हम लोगों ने क्या कर लिया? ऑरिजिनेट। आ गया समझ में, एक प्रोटॉन का मास हमने कह दो कि 1 AMU मान लिया, ठीक है, आ गया, कोई डाउट? अच्छा जैसे मान लो इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 AMU और 2 AMU, क्लियर है, आ गया। चलिए तो बताइए AMU क्या होती है? सर AMU यूनिट होती है जिससे हम लोग एटम का मास मेजर करते हैं, और सबसे छोटी यूनिट होती है। क्यों अब सर किलोग्राम ग्राम में यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि किलोग्राम और ग्राम बहुत बड़ी यूनिट होती है और एटम हद से भी ज्यादा छोटा होता है, तो उसके लिए छोटी यूनिट की जरूरत थी, और उस छोटी यूनिट का नाम क्या दे दिया? AMU या एटमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.66 × 10⁻²⁷ kg, किसके बराबर होती है? लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, या 1/Avogadro नंबर भी कर दो तब भी 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। सर आ गया, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, इसको उठा लो जरा। चलिए आ गया, अब जरा एक बात जरा ध्यान से सुनना सर, क्या अब हम लोग उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमने बोला, तो कुछ वर्ड्स हमें पढ़ने। पहला वर्ड तो हो गया हमारा AMU, दूसरा देखो, दूसरा है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है सर। अगर हम लोग बात करें सर एटम को रिप्रेजेंट करना हो, एटम की बात करें, एलिमेंट की बात करें, टोटली एक ही है सर, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत आसान है, एक्स, क्या? एक्स, एक्स यहां पे क्या है? एटम या फिर कोई एलिमेंट।
और यहां पे जेड है और यहां पे ए। सर ये जेड क्या है? जेड है एटमिक नंबर। क्या है? एटमिक नंबर। ए क्या है? मास नंबर। क्लियर है सर? ये एटमिक नंबर क्या होता है? ये होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? एटमिक नंबर। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। इन न्यूट्रल एटम मतलब समझे, बहुत ध्यान से सुनना, कि एटमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर तो हमेशा रहेगा। जेड का मतलब एटमिक नंबर, ये प्रोटॉन के बराबर हमेशा रहेगा, हमेशा। पर इलेक्ट्रॉन के बराबर रह भी सकता है और नहीं भी। कब बराबर रहेगा? अगर न्यूट्रल है, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटमिक नंबर तीनों क्या रहेंगे? बराबर। क्लियर है? आ गया समझ में? पर ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। क्लियर है? चलिए सर, मास नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात, ये यूनिट लेस है, नंबर है तो सर क्या होगा? यूनिट लेस। दूसरी, हम इसको निकालते कैसे? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन को जोड़ दें, और किसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दें तो आपका मास नंबर निकल आएगा। सर मास नंबर ए मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हो गए, और प्रोटॉन, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल आएगा? मास नंबर आ गया। सर इस रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एटम का ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखा है, तो उससे आप तीन चीजें निकाल सकते हो, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, और एटम के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग निकाल सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। क्लियर है सर? कैसे? एग्जाम्पल, बिल्कुल सर, एग्जाम्पल ले लिया 6C12। क्लियर है? बताओ जरा ये क्या है? सर एटमिक नंबर जेड। हमने बोला था अगर इस पे कोई चार्ज दिख रहा नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो जितना एटमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन, ये तो हमेशा ही रहता। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बराबर। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल आए, बिल्कुल सर, क्या बचा? न्यूट्रॉन। तो देखो ये क्या है? मास नंबर। तो ए बराबर 12। सर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस पी। अगर हम बात करें एन बराबर, देखो जरा क्या हो जाएगा सर? ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी है सर? 12। सर प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन दिख रहे आपको सर? 6। कितनी? 6। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। आ गया सर, कोई डाउट आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आ गया, और आंसर आ गया हमारा कितना? 6। तो हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, प्रोटॉन भी निकाल लिए, और न्यूट्रॉन। अगर हमें एटम का रिप्रेजेंटेशन पता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकल आते हैं। सर एक आधा एग्जाम्पल आप और बता दो, इसको मिटा दूं मैं? बिल्कुल सर, जैसा करना हो कोई दिक्कत नहीं, क्या तो बस ज्यादा ना पढ़ाना सर, ज्यादा पढ़ाने से अपच हो जाती है। हाँ ऐसे ही है ना, कभी कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए सर ये क्या है? Cl। अभी ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें भी हम सर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने तो बहुत आसान है, बहुत आसान। बताओ कैसे? ये क्या गिवन है सर? एटमिक नंबर मतलब Z बराबर 70। हमने बोला इस एटम पे कोई चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकल आएंगे। प्रोटॉन भी कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बराबर। कितना? 70। अब सर न्यूट्रॉन बचा। एक बार मैं बताऊं, एक शॉर्टकट तरीका है, आप ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो, डायरेक्ट न्यूट्रॉन निकल आएंगे। बात फॉर्मूला लगाओ, बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट 35 माइनस 17 कितना हो गया? 18 आ गया। तो डायरेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन निकल आए, प्रोटॉन निकल आए, न्यूट्रॉन निकल आए। हमारा काम क्या है? इस रिप्रेजेंटेशन से हम सिर्फ तीन चीजें निकाल सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। क्लियर है सर? आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमें निकालने सर रिलेशन, क्या संबंध सुने सर आप लोगों ने? अरे संबंध कहने का मतलब है कि आप लोगों ने कभी इसका सुना होगा, जैसे आप दो आदमियों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? भाई का, माँ बाप का, मतलब पिताजी का। अरे इंसानों के बीच में रिलेशन होते हैं, भाई बहन, फूफा फूफी, भाई भाभी, ये सारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं किसके बीच में? इंसानों के बीच में। अब सर एटम के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? एटम के बीच में बहुत ध्यान से सुनना, हम एलिमेंट को परिवार बोलेंगे और एटम को इंसान बोलेंगे।
तो हमें परिवार के अंदर के लोगों के बीच में सदस्य वो रिलेशन निकालना है और दो परिवार के लोगों के बीच में सदस्य निकालना है। क्लियर है? आगे समझो। सर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। देखो मैं एक बात कह रहा हूं कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं एटम, तो उनके एटम के बीच में कोई रिलेशन होता है सर? एक फैमिली के मेंबर के लोगों में कोई ना कोई संबंध होता है? बिल्कुल सर, भाई बहन का, पापा, ये सारे रिलेशन है। अब हम कह रहे हैं दो फैमिली के लोगों में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल सर, उनके में भी अंकल आंटी, उनके में रिलेशन होता है। तो ऐसे अब हम रिलेशन वाली चीजें निकालने वाले हैं सर। कौन कौन सी है वो? पहली, पहला वर्ड जो हम लोग यूज करने वाले हैं आइसोटोप्स। क्या सर? आइसोटोप्स। बहुत आसान है आइसोटोप्स। सर आइसोटोप्स क्या होता है? ये एक ही परिवार के लोगों के बीच में रिलेशन आता है सर। कैसा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पे आओगे तो सर ज्यादा परिवार एरवार पे ना जाओ। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम। अच्छा देखिए, अगर एलिमेंट सेम है तो एटमिक नंबर क्या होता है? सेम। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटमिक नंबर, सेम एटमिक नंबर। क्लियर है? बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। मतलब एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? अलग अलग। मतलब उनका वजन क्या हो? सभी का अलग अलग हो। सर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसके? हाइड्रोजन के ले लो आप। किसके ले लो? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तीन तरीके के होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो आप देखो ये एटमिक नंबर है 111, तो तीनों का एटमिक नंबर क्या है? सेम। और इनका मास नंबर क्या है? अलग। इसका 1, इसका 2, इसका 3। अच्छा एक बात सुनिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, क्या उसके सारे एटम सेम होंगे? नहीं सर, उसके अंदर तीन टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। कितने टाइप के? तीन टाइप के। इस टाइप, अब इसका रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है, इसका रेशियो थोड़ा कम और इसका और कम। आगे समझ में? बताइए क्या सर? एक ही एलिमेंट के अंदर ये तीनों एटम रहते हैं पर इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम, इसका और कम। आगे समझ में? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर है? अच्छा हम लोग और किसी के भी आइसोटोप्स होते हैं? बिल्कुल। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन दो होते हैं, 6C12 और 6C14। देखो दोनों का एटमिक नंबर सेम है बस मास नंबर क्या है? अलग अलग। तो ये भी क्या है सर? आइसोटोप्स है। तभी मैंने बोला था कि डॉल्टन एक बात कह रहे थे कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। कहां एक जैसे? ये कार्बनी, दोनों एलिमेंट कौन से? कार्बनी है। कार्बन के ये दोनों एटम एक जैसे हैं? नहीं सर, अलग अलग है। तो उनकी बात वो गलत होगी ना, वो क्या कह रहे थे? एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हैं, सभी के लिए बात वैलिड नहीं होती। हाँ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके सारे एटम एक जैसे होते हैं, पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, उनके लिए वो बात वैलिड नहीं होती। आ गया सर ने? आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? डेफिनेशन पूछ लेंगे और एग्जांपल दे देंगे, कहेंगे बताओ इनमें कौन सा रिलेशन है। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। आ गया दूसरा रिलेशन की अगर हम बात करें आइसोबार। क्या बेटा? आइसोबार। सर ये क्या होता है आइसोबार? बहुत आसान है। देखो यहां पे डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, अब इनका मास नंबर सेम है, वजन सेम है, having same mass number but different atomic number, but different atomic number। बहुत आसान है सर। क्या मतलब? atomic number अलग अलग है क्योंकि normal सी बात है, दो अलग अलग element है तो उनके atomic number तो अलग अलग होंगे, पर उनके अगर mass number same है तो वो उनके बीच में जो relation होगा वो क्या होगा? isobar का। सर example mass number सर कैसे same? जैसे 6C14 और अगर हम लोग बात करें 7N40। देखो जरा ये कार्बन नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम है। बिल्कुल है सर। इनका एटमिक नंबर क्या है? अलग अलग। पर इनका मास नंबर क्या है? सेम। तो ऐसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा आइसोबार। क्या होगा? आइसोबार। आ गया समझ में? कोई डाउट? बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं। तीसरा अगर हम लोग पढ़े सर आइसोटोन्स। क्या आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सर? सेम हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन।
ऐसे याद कर सकते हैं फर्जी तरीके यहाँ पर, आइसो मतलब सेम और एनी का मतलब न्यूट्रॉन, क्या तो सर टी और आपने गायब कर दिए तो इसलिए बोल रहा हूँ फर्जी तरीका है, ऐसे याद कर लो आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, 6C14 एंड 8O16 न्यूट्रॉन, याद है आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो, 14 - 6 कितना होता है 14 - 6 8। सर यहां पे न्यूट्रॉन 16 - 8 कितना होता है सर 8, तो दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, तो सर नॉर्मल सी बात बताओ इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, आइसोटोन्स। आ गया, कोई डाउट? सर तीन रिलेशन पढ़ लिए हम लोगों ने, कितने पढ़ लिए, तीन पढ़ लिए। अब इसको मिटा दूं मैं, बिल्कुल सर। अब अगर हम लोग बात करें सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो जल्दी निपटाओ बहुत बोरिंग टॉपिक है यहाँ। अरे नाला को कुछ बोरिंग नहीं होता, सारी मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बनाई जाती है चीजें। अब चैलेंज बना लो कि हमें सर ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर है, बहुत ही आसान है, जब एक बार सीख जाओगे ना फिर चीजों में मजा आता है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि सर जो हम पढ़ रहे हैं ना बस वो समझ में आ जाए, अंदर जाता जाए, बस रुकना नहीं चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सर उसे कहते हैं जब ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन, देखो नाम से क्लियर है, ऐसे सर स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, स्पीसीज का मतलब आयंस भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना, हम दो तीन ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सर N-3 ठीक है, O-2 F-Ne और Na+, बस इतना लिख दिया, वैसे तो और भी हम बना सकते हैं। सर इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हो आप, नहीं सर अभी तो हमने सीखा था पर भूल गए। एटमिक नंबर याद है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इसका 8, इसका 9, 10 और इसका 11। अच्छा आपको याद है जितना एटमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, पर कब, जब कोई चार्ज नहीं होता, तो यहां तो चार्ज आ गया सर, तो यहां इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे 7। अगर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस करते, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट बताओ। इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए 8, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने हो गए 10, ठीक है, इसके पास होने कितने चाहिए 9, पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने हो गए 10। आ कैसे गए, जितना नेगेटिव चार्ज उतने आ गए, और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो चले गए, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इसके कितने रहेंगे 10, 11, और एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने हो गए 10। देखो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सर, तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर हम क्या बोल सकते हैं सर, ऑल आर क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का। आ गया सर में, कोई डाउट है, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। एक आध और बचा क्या सर, बिल्कुल लास्ट बचा आइसो एस्टर, ये कहता है कि सेम नंबर ऑफ एटम हो, बहुत ध्यान से सुनना, एटम सेम हो, सेम नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एटम सेम हो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो एस्टर। सर एग्जांपल, एग्जांपल की बात करें CO2 और N2O, तो दोनों चीजें देखेंगे, एक तो नंबर ऑफ एटम भी देखेंगे, दूसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो एटम, देखो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 1 और 2 कितने हो गए सर 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 कितने हो गए 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आपको आता है KeLeman सेल भरना, कहते सर हमें कुछ ना आता, सिखा दो, हम सीख जाएंगे, वो अगला बात है, जो उम्मीद ना रखो हमसे कि हमें कुछ आता है। देखो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाँ ये सही, ये तीन ही के यूज हो, अभी हम इसके बता दे रहे, बाकी अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सबके हम कैसे सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बता देंगे। देखो यहाँ पे कितना होता है 6, इसका 7, इसका 8, 2.4, 2.5 और 2.6, इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 5, इसके 6, आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कार्बन के आखिरी सेल में कितने हैं 4, ऑक्सीजन के आखिरी सेल में 6, पर ऑक्सीजन है कितने सर 2, तो कितना हो गया 4 और 6 दूनी 12, 4 16। सर इसमें देखो नाइट्रोजन के आखिरी सेल में कितने हैं 5, और नाइट्रोजन है कितने सर 2, प्लस ऑक्सीजन के आखिरी सेल में सर 6, ऑक्सीजन है भी एक ही, तो 5 दूनी 10 और 6 कितने हो गए 16। तो देखो
दोनों में नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है सेम, तो इनका मतलब ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है हम कह सकते हैं दीज आर आइसोइस्टर्स, आइसोइस्टर। तो आ गया समझ में कितने रिलेशन पड़े, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोइस्टर। बता सकते हैं आइसोटोप्स सर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स जिनका एटमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो। सर आइसोबार, एटमिक नंबर अलग अलग हो, मास नंबर सेम हो। आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सेम हो। और आइसोइस्टर, एटम भी सेम हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोइस्टर। आ गया सर में कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं सर। चलिए अब सर कुछ बचा है पढ़ने को, बहुत खास चीज बची है। अब हम लोग मतलब अब हम जो इसको पढ़ने के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे वो ये चीजें पढ़ी है, इसलिए ये इतनी चीजें पढ़ी हमने इसी के लिए थी सर। वो क्या है देखो जरा ध्यान से, वो है सर एटमिक मास। क्या है एटमिक मास के लिए पढ़ा सर आपने अभी तक? अच्छा हम आपसे अगर पूछे सर एटमिक मास की डेफिनेशन बता दो तो सब बता देंगे। सर कैसी मजाक वाली बात कर रहे, किसे नहीं आती, नाम में डेफिनेशन लिखी तो आधे से आधे लोगों ने तो मन में भी सोच लियो कि सर हमें तो पता है। सर क्या आप यही कहना चाह रहे कि एटम का मास मतलब एटमिक मास? हाँ हाँ हम यही कहना चाह रहे कि एटमिक मास कुछ नहीं है, इट इज द मास ऑफ एटम। क्या है सर काहे पागल बना रहे, इतनी सी डेफिनेशन हो सकती है क्या किसी की? इट इज द मास ऑफ एटम, बस यही डेफिनेशन। सर निकालेंगे कैसे? आपको पता है मास ऑफ एटम निकालने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं? एएमयू। अब हम बता देंगे कैसे। चलिए तो एटमिक मास क्या होता है, मतलब एक एटम का मास, मास ऑफ एन एटम, एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं एटमिक मास। सर कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल रहते हैं? सर तीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर हमें यह पता चल जाए कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन, और तीनों का मास पता चल जाए, सबको हम जोड़ देंगे तो क्या निकाल लेंगे एटमिक मास। ऐसे ही तो निकाल सकते हो, अरे नॉर्मल सी बात है, इस कमरे में पांच लोग बंद हैं, अगर हमें पांचों लोगों के मास पता चल जाए जोड़ दें हम सबके मास तो निकाल सकते हैं। ऐसे ही एटम के अंदर तीन पार्टिकल रहते हैं, बताओ कौन कौन से? सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इनका पता कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और कितना मास होता है, मास हम बता ही चुके। देखो बहुत आसान है सर, क्या है बहुत आसान, निकाले क्या सर आसान आसान चीजें कहे पढ़ा रहे, थोड़ी कठिन चीजें पढ़ा लो। हाँ कठिन, कठिन क्या होता है देखो यहाँ पे बहुत आसान, बताओ सबसे पहले मान लो इलेक्ट्रॉन्स में कितने एन और इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आ गया सर। अब एक बात आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत 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 छोटा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, पता है ना आपको? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इसका मतलब आपको बताओ क्या लिख सकते हो हम इसका मतलब? सर इसको निगलेक्ट कर दो, क्या कर दो निगलेक्ट, क्या कर दो निगलेक्ट, इस पूरे टर्म को इन दोनों के कंपैरिजन में क्या कर दो निगलेक्ट, मतलब एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता तो हटा देते। तो मतलब फॉर्मूला अब ये बन गया सर, बिल्कुल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर है सर, बिल्कुल ये बन गया एटमिक मास का फॉर्मूला। बस सर हो गया फॉर्मूला? नहीं, आप सभी को पता है अगर मैंने इसी से पहले हमने आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं और लगभग इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 amu, याद है मैंने जब क्वेश्चन में लिखा था फ्रॉम वेयर amu कम्स वही बताया था। तो सर एक बात बताओ फिर तो आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 1 amu और इसकी भी वैल्यू कितनी है 1 amu, अरे इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया 1 amu, कॉमन ले लो 1 amu कॉमन ले लो सर, 1 amu क्या ले लो कॉमन ले लिया, अब 1 थोड़ी ना कॉमन लोगे, amu कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं P और ऐसे न्यूट्रॉन, बताओ जरा ये किसका फॉर्मूला आ गया, याद करो थोड़ी देर पहले हमने x के ऊपर लिखा था सर A का फॉर्मूला आ गया जी, A, ये क्या आ गया A का फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं एटमिक मास, क्या बोलते हैं एटमिक मास। तो बहुत आसान है सर, मतलब अगर हम अगर हमें किसी का भी एटमिक मास निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, अगर हमें किसी का भी एटमिक मास निकालना है उसका मास नंबर निकाल लो, क्या निकाल लो मास नंबर, और उसके आगे एएमयू लगा दो, क्या लगा दो एएमयू, सर निकल आएगा। तो सर एक बात तो पेपर में एटमिक मास निकालने को आता? बिल्कुल नहीं आता, हम आपको सिर्फ यहां ये बताना चाह रहे कि उन साइंटिस्टों ने एटमिक मास को कैसे निकाला। तो सर हम एटमिक मास कैसे निकालेंगे? आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा
एटमास कितने तक सही से, तो 119 एलिमेंट, 20 एटमिक नंबर तक आप सभी के एटमास याद कर लो, 20 तक काम चल जाता है। जैसे मैं कुछ लिखे दे रहा हूं, सम एटमिक मास, बताओ मैंने क्या बताया यहां पे? ये निकालने को नहीं आता सर, ये हम इसलिए बता रहे कि आपको पता होना चाहिए उन्होंने कैसे निकाला है, ठीक है? बिल्कुल सर, बहुत ध्यान से एक बात देखें यहां पे। अगर हम लोग बात करें 1H1, बताओ इसमें हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1, तो इसका एटमिक मास कितना हो जाएगा? 1 AMU। 2HE4, इसका सर मास नंबर कितना है? 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 AMU, ठीक है? अगर हम लोग बात करें सर 6C12, बताओ इसका मास नंबर कितना है? 12, तो इसका एटमिक मास कितना हो गया? 12 AMU। सर इसका ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो 16 AMU। नाइट्रोजन का सर 14 AMU। सर सोडियम का कितना है? देखो मास नंबर 23 AMU। आपको ये याद करना पड़ेगा, एटमिक मास आपको क्या करना पड़ेगा? याद आ गया समझे? आपको निकालना नहीं, निकाल ही नहीं पाओगे नाले को, इसलिए कह रहा हूं कि एटमिक मास क्या कर लेना याद, आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब सर हमें क्या पढ़ना है? अब हमें बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़नी है, क्या इसको मिटाल दूं मैं? बिल्कुल सर, बहुत कायदे से मिटाल दो, बिल्कुल चुपैया कायदे से। हाँ देखो देखो सर, अब हम लोग एक वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर क्या? रिलेटिव एटमिक मास। क्या? रिलेटिव एटमिक मास। सर ये क्या है? ये क्या है सर रिलेटिव एटमिक मास? देखो इसे हम शॉर्टकट में RAM बोल सकते हैं, राम। सही है, क्या है जरा बहुत ध्यान से सुनना, एक बात सुनना, जब भी हम रिलेटिव वर्ड की बात करें तो इसका मतलब किसी दूसरे की तुलना में हम इसका मास निकालने वाले हैं। क्या है? किसी भी दूसरे की तुलना में मास निकालने, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ये क्या होता है? एक एटम का मास, अकेले एक एटम, विद रिस्पेक्ट टू अदर, जिसको हमने स्टैंडर्ड माना हो। एक बात सुनो, जैसे देखो एक हमारा मास 50 किलोग्राम है, जैसे मान लो भगवान की दुआ 70-80 किलोग्राम है, चलो ये हमारा हो गया एक्चुअल मास। क्या हो गया? एक्चुअल मास। पर हम बोले कि इसके कंपेरिजन में निकालो, कि इसके कंपेरिजन हम मास कितना है, तो अगर हम कह दें कि अगर हमने इसके कंपेरिजन में निकाला तो हमारा आ गया 50 × g, तो इसका मतलब है कि 50 आ गया, तो इसका मतलब होगा कि हमारा वजन 50 गुना भारी है इससे। कितना? 50 गुना भारी है इससे, क्लियर है? तो ये होता है रिलेटिव एटमिक मास के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? स्टैंडर्ड, और उसी के तुलना में हम सभी का एटमिक मास निकाल सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू, जिसको आपने स्टैंडर्ड मानो, और स्टैंडर्ड हम लोगों ने माना है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट को हम लोगों ने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। क्या मान लिया सर? स्टैंडर्ड। और इसी की तुलना में हम सभी का रिलेटिव एटम का मास निकाल लेते हैं। तो सर रिलेटिव एटम का मास तो समझ में आ गया फॉर्मूला, जैसे सर किसी भी एटम का अगर हमें रिलेटिव एटम का मास निकालना है तो क्या करेंगे? जिसका निकालना उसका मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिसका सर रिलेटिव एटम मास निकालना उसके एक एटम का मास, और अपॉन जो स्टैंडर्ड माना, स्टैंडर्ड किसकी? इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक बात याद रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती सर। कैसे? जरा मैं एक एग्जांपल करके बता दे रहा आपको। देखो मान लो कि एक एटम का मास हमने मान लिया कि एक्स है, कितना है? X AMU, ठीक है? हमने मेजर कर लिया एक एटम का मास X AMU है, क्लियर है? और आपको इसका तो पता ही है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है, मैंने अभी निकाल के दिखाया था 12 AMU, याद है आपको? बिल्कुल सर, अभी याद है। AMU से AMU कट गया, 12 से 12 कट गया, क्या आ गया? X। कोई यूनिट है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। तो ये X क्या बता रहा मैं? ये X ये नहीं बता रहा कि एटम इसका किसी एटम का मास है, बिल्कुल नहीं बता रहा। ये बता रहा कि इस एलिमेंट का X टाइम्स हैवियर है इससे। मतलब समझ में? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिसका हम रिलेटिव एटम मास निकालें, अगर ये वैल्यू आ रही, तो ये वैल्यू बता रही कि वो एलिमेंट का एटम X गुना भारी है इसके कंपेरिजन में। X गुना भारी है किसके कंपेरिजन में? इसके 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का आ गया? अगर मान लो हमने
मान लो हमने निकाला किसी का भी कार्बन का निकाला, तो कार्बन का मान लो यहां पे एक आ गया, क्या आ गया एक, तो हम कह देंगे कार्बन एक गुना भारी है, एक गुना का मतलब एक गुना भारी है इससे, एक गुना भारी तो कुछ होती नहीं, सब बराबर ही होता है। अगर मान लो दो आ रहा है तो उसका मतलब वो दो गुना भारी है, टू टाइम्स हैवियर है, किससे, इतने से, टू टाइम्स हैवियर है, आ गया समझे, बिल्कुल सर। अब सर एक बात बताओ इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे सिर्फ डेफिनेशन आ सकती हो, फॉर्मूला बस। सर तो ये बताओ हमें निकालने को नहीं आएगा रिलेटिव, बिल्कुल नहीं आएगा हमें रिलेटिव एटमिक मास निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ उन्होंने बताया कि रिलेटिव एटमिक मास ही निकाला था पहले, और कैसे निकाला था वो हमने आपको बता दिया, आ गया समझ में, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और हमें सिर्फ ये इतना बताता है कि कोई भी एटम इसके रिस्पेक्ट में कितना भारी है, इसकी तुलना में कोई भी एटम कितना भारी है, वो हमें कौन बताता, रिलेटिव एटमिक मास। चलिए सर आप क्लियर हो जाए। सर एक एटमिक मास और होता है एवरेज, लियो सर लियो। अच्छा एक बात बताए, मान लो ये कोई एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट, मान लेना जरा ध्यान से, इस एलिमेंट के अंदर तीन एटम है, ठीक है, अगर सभी एलिमेंट सभी एटम का मास एम 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 है तो इसका एवरेज मास कितना होगा एम, अगर मान लो इसका मास एम वन है, इसका मास एम टू है, इसका मास एम थ्री है, तो बताओ इस पूरे एलिमेंट का एटम मास कितना होगा, सर एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अपॉन थ्री, ऐसे तो निकालते हो, बिल्कुल। तो सर हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात एवरेज एटमिक मास निकालते किसके लिए, फॉर आइसोटोप्स, किसके लिए निकालते हैं आइसोटोप्स, जिन एटम के आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए हम लोग एटमिक मास नहीं निकालते। एक बार फिर से सुनना ये तीनों वर्ड यूज, क्योंकि कौन से एटम का एटमिक मास निकालते हैं, उन एटम का एटमिक मास निकालते हैं जिनका आइसोटोप्स नहीं होते। एवरेज एटमिक मास किसके निकालते हैं, जिनके आइसोटोप्स होते हैं, जिनके क्या होते हैं आइसोटोप्स, उनके एटमिक मास नहीं निकालते, उनका क्या निकालते हैं एवरेज एटमिक मास। क्लियर है सर, फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सर एटमिक मास एवरेज एटमिक मास को ड्रॉ कर दे ए बार से, कोई डाउट, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं। फॉर्मूला होता है एक्स वन ए वन प्लस एक्स टू ए टू प्लस एक्स थ्री ए थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, या एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या लिख रहे हैं सर जी, और प्लस डॉट 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 डॉट, अभी हम बता रहे हैं एक्स वन एक्स टू क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, एक्स वन ए वन प्लस एक्स टू ए टू प्लस एक्स थ्री ए थ्री, ठीक है, डॉट 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 और हंड्रेड। अब सर ये बता दो ए बार का तो समझ में आ गया, इसका मतलब है एवरेज एटमिक मास, यहाँ पे ये सर एक्स वन क्या है, ये एक्स टू क्या है, एक्स थ्री क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, क्या है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, या फिर ऐसे कह दो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, अलग अलग आइसोटोप्स की क्या है ये परसेंटेज है, कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं। सर ए वन ए टू ए थ्री क्या है, ए वन ए टू ए थ्री ये है सर एटमिक मास, क्या है एटमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, आ गया समझ में। हमने हंड्रेड क्यों लिखा, ये परसेंटेज ही तो है, टोटल परसेंटेज तो हंड्रेड ही होती है ना, इसलिए मैंने हंड्रेड लिख दिया। सर आपको गिवन क्या होगा, आपको आइसोटोप्स की परसेंटेज गिवन होगी, उनके एटमिक मास गिवन होंगे, आपको एवरेज एटमिक मास निकालना होगा। तो सर एक आध कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो, हाँ एक आध कोई क्वेश्चन पेश करा दो जिससे हमें समझ में आ जाए। चलो मैं क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब देख के दिल खुश हो जाएगा। अब सर कह दो दिल हो ही ना हमारे पास तो कैसे खुश होगा, तो किडनी खुश हो जाएगी क्या, किडनी। कैलकुलेट द एवरेज एटमिक मास, लो अब सर आपने लिख ही दिया पूरा, अभी आप कह रहे थे ए बार एटमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है, ऑफ क्लोरीन, डाटा आपको गिवेन है, डाटा गिवेन है आपको आइसोटोप्स, बहुत ध्यान से सुन लो, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, ठीक है, आपको अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब जानते हो परसेंटेज होती है, क्या होती है परसेंटेज, ये आपको गिवेन है 75.77 और ये गिवेन है 24.23 और आपको एटमिक मास गिवेन है, क्या गिवेन है सर एटमिक मास, सर क्या गिवेन है 34.96 और 36.96 यू लिख दिया, कोई डाउट है, चलिए सर और भी बड़ा लिखा है पर मैंने इतने लिख दिया। अच्छा इसको आप 35 भी लिख सकते हो, इसे 37 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आ जाएगा। सर निकालें, बिल्कुल, फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स वन ए वन
एक्स टू ए टू दो ही तो है अपॉन 100, क्योंकि दो है तो दो ही ऐसे उठ करेंगे। ये क्या होता है परसेंटेज, एक की परसेंटेज कितनी है 75.77 और उसका एटमिक मास, जिसकी परसेंटेज उसी का एटमिक मास, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी परसेंटेज उसी का एटमिक मास 34.96। ये नालायक को यू लिखा है, फोर ना समझ लेना। कह दो नहीं सर हमें तो फोर ही दिख रहा था, आपने हमारी आंखें खोल दी। हाँ एक्स टू कितना के बोले 24.33, कितना है 24.23। सर राइटिंग सुधार लो, बस दुनिया की सारी चीज सुधर जाएगी अपने आप 36.96। और अपॉन आप इन दोनों को प्लस भी कर दोगे तो 100 ही आएगा। तो आप देखो हमें तो आंसर याद है, क्लोरीन का एटमिक मास होता है 35.5 यू आंसर आ गया। आ गया सर कोई डाउट? अच्छा सर और किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता? बिल्कुल, आपको क्वेश्चन में एवरेज एटमिक मास दे दें, आपको एटमिक मास दे देंगे और आपसे परसेंटेज पूछ लेंगे, बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। जब भी परसेंटेज पूछे ना तो एक को एक्स मान लेना, दूसरे को 100-x, तब ही निकाल पाओगे, नहीं तो x1 x2 लिखे रहोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने एटमिक मास पढ़ लिया। एक होता है एक्चुअल एटमिक मास, जैसे सिर्फ हम एटमिक मास बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा होता है सर रिलेटिव एटमिक मास, जो किसी की तुलना में निकालते हैं कि कोई भी एटम उसके रिस्पेक्ट में कितना भारी है। तीसरा एवरेज एटमिक मास, एवरेज एटमिक मास किसका निकालते हैं, जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं आइसोटोप्स, उनके लिए निकालते हैं। आ गया समझ में? चलिए सर अब कुछ बचा है सर? नहीं, अब हमें निकालना है सर मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल के बारे में चंद्र सी बातें हैं, कितनी चंद्र सी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर बनाओ, कंसिस्ट ऑफ एटम्स, किससे मिलकर बनाओ, एटम से मिलकर बनाओ, ठीक है। और एक और डेफिनेशन होती है, मैंने एटम की एक डेफिनेशन बताई थी, बताओ क्या, कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आजाद घूम भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? सिवाय इनर्ट गैस के कोई भी एटम आजाद नहीं घूमता, पर मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है जो आजाद घूमता है हमेशा। मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली मतलब आजाद एग्जिस्ट करता है। सर आजाद का मतलब हम समझ नहीं पाए, जैसे एक बात बताओ O2 है, ये मॉलिक्यूल है, ये आजाद घूमता है, क्या ऐसा होता है कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में नहीं घूम सकता एटमॉस्फेयर में? बिल्कुल घूम सकता, पर क्या ऑक्सीजन O के फॉर्म में घूम सकता? नहीं, ये एटम है, ये क्या है एटम, और ये क्या है मॉलिक्यूल। अब आप बताओ एटमॉस्फेयर में कौन आजाद घूम सकता है? ये तो घूम ही नहीं सकता, अगर ये घूमेगा तुरंत O2 बना लेगा, ये आजाद घूम सकता, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो आगे समझ में? तो मॉलिक्यूल वो सॉफ्ट पार्टिकल होता है जो एटमॉस्फेयर मतलब नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्जिस्ट कर भी सकते और नहीं भी। इनमें से कौन से एग्जिस्ट करते हैं? इनर्ट गैस वाले, क्लियर, उन्हें भी हम लोग मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, पता है आपको। चलिए सर अब एक बात बताइए सर कि मॉलिक्यूल के लिए कोई वर्ड डिफाइन है? हाँ, फॉर मॉलिक्यूल ए वर्ड इज डिफाइंड, एक वर्ड डिफाइन किया गया जिसका नाम था सर एटमिसिटी, दैट इज एटमिसिटी। कोई डाउट है सर? एटमिसिटी क्या होती है? एटम की सिटी, एटम की सिटी को क्या बोलते हैं सर? एटमिसिटी। नहीं, देखो एटमिसिटी हमें ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, क्या नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एटमिसिटी क्या बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें सर, हम बात करें, बिल्कुल बात कर सकते हैं, जैसे O2 मतलब इसमें एटम कितने प्रेजेंट है, एटमिसिटी। अगर हम लोग बात करें सर O3 P4 तो बताओ इसमें कितने एटम है सर? दो, तो इसकी एटमिसिटी दो, इसकी तीन, चार है तो कितने हो जाएंगे सर? चार। जरूरी नहीं चारों सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये NH3 इसके अंदर कितने एटम है, एक और तीन चार, क्लियर है। तो जो दो एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग, डाई एटमिक, क्या बोलते हैं सर, और तीन होते हैं उन्हें ट्राई एटमिक, और जो चार होते हैं उन्हें टेट्रा एटमिक नाम बोल देते हैं। कोई डाउट है? अच्छा सर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एक एटम से मिलकर बना, इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, वो अकेला पैदा होता है और अकेले मरता है, तो वो मोनो एटमिक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोनो एटमिक, क्योंकि आजाद घूमता है, तो उसे हम दोनों की श्रेणी में रखते हैं, एटम की भी और मॉलिक्यूल की भी। क्लियर है? चलिए
सर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास भी होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है सर? एक बात, अच्छा सर मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या होगी, एएमयू। अच्छा एक बात और बता दो सर, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से। अगर हम मॉलिक्यूल के अंदर एटम का मास, एटम का एटमिक मास को जोड़ दें तो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। बिल्कुल सर, तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ ऑल द, सम ऑफ ऑल द, ऐसे लिख सकते हो, हाँ ऐसे लिख दो, सम ऑफ ऑल द एटमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। आगे समझ में, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है उनके एटमिक मास को जोड़ दो तो क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा एक हमें आपको बात बता दें कि एटमिक मास आपको याद होने चाहिए, पेपर में आपके गिवन हो भी सकते और नहीं भी। अगर मान लो टीचर आपका खड़ूस निकला तो वो नहीं दे आपको, फिर क्या करोगे? हमारे टीचर ने तो सर बताया था कि बोर्ड के एग्जाम में, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपको एटमिक मास दिए जाएंगे, पर तब तक आप याद कर चुके होंगे कहां तक, 20 तक। क्लियर है? याद कर लेना, मुझे तो याद है तो मैं तो लिख दूंगा। जैसे हाइड्रोजन का पानी है, पानी का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूल बताओ किससे मिलकर बना है सर? बिल्कुल, दो हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन है, ठीक है। बताओ हाइड्रोजन का एटम मास कितना होता है, एक, ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16। तो दो, एक दो बन जाए दो और 16 कितना हो गया, 18। यूनिट क्या होगी, एएमयू, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 18 यू। कोई डाउट है? बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। C6H12O6 इसका निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितने कार्बन है, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ऑक्सीजन 6। निकाल सकते हो सर, कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का सर 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम तो जोड़ेंगे नहीं, हमें तो याद है, तो 180U लिख दिया। कोई डाउट है? फोन ना समझ लेना, 180U लिखा है। ऐसे किसी का भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो अगर उनका एटमिक मास क्या हो, गिवन, ठीक है, निकाल लोगे बाकी होगा। चलिए तो सर हम लोगों ने मॉलिक्यूल पढ़ लिया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया। अब हम लोग एक नए टर्म पे इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो आप ऐसे लिख लो, फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करते हैं।